हेलो हेलो सुना भी आप लोगों ने, सुना भी और देखा भी, गुड मॉर्निंग का टाइम है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया जवाब आया है। जवाब नहीं जवाबा आया है, बिल्कुल कलयुग काला। क्या कहें आपको, इनके मंडल में हम होते जाते नहीं अगर आपको कोई कह देता। कहा था अच्छा बैस डालो, सिया राम बोल श्री राम बोल, क्या है ये सब, का है ठीक। द्वापर से मैं गा रही हूँ कि नट नागर रोक कर करे गोलाब नहीं बनाएंगे, अपने हाथे बना लो। तड़पाए यू यदि नंदन काए भैया, तड़पाए यू यदि नंदन न कर बाज जानो नंदन, तड़पाए यू यदि नंदन न कर बाज जानो जो गांव में होते हैं। अच्छा, इतने भी पागल नहीं है, सोच इतना आप समझ रहे हो। चैनल चल रहा है, इतनी इसी सोच रखे। चलिए, अरे आप तो एक लाइन नहीं बोल पा रहे हो। अच्छा जंजीरा कोई मामूली बात नहीं होती ना भाई। अच्छा जंजीरा कोई मामूली बात नहीं होती है। एक लाइन खड़े होकर कलाकार जवाब में पढ़ ले तो समझो वो कलाकार है। एक कट पीस थी मामूली सी, पूरा गीत नहीं था। अब पूरा गीत देंगे तो सोचो क्या होगा, क्या आपका नहीं रचना का। जंजीरा ये पीना पड़ेगा पुड़िया वाला। अगली बार आइए तो बैच बदल के आइएगा। एक बड़ा विचित्र सवाल आया है कि हमने किसी से गाया है। रुक जाओ बुंदेला जी, रुक जाओ, माहौल बहुत गर्म है। तो जवाब नहीं आया है। निशा जी शायद आप समझ जाएं, बड़ी कलाकारा है। मैं न किसी को बड़ा मानती हूँ, और जो हमको मानता है बड़ा, अब हम उसके लिए क्या कहें। कोई एहसान कर रहा है बड़ा, जो बड़ा मानता है, जो बड़ा मानता वही धोखा खा जाता है। अरे ये निशा का मंडल है, कोई बीड़ी का मंडल नहीं है। आज धुए धुआ दोगे आप लोग, क्या कहें। प्रखर भैया आदरणीय, ये अथाह सागर है, इसमें कोई कहते मैं ज्ञान हूँ, ज्ञानवान हूँ, ना नतिन, ये कोई ज्ञानवान हो ही नहीं सकता। अरे इतना ज्ञान का भंडार है ये, हम लोग एक कण नहीं है, एक तिनका नहीं है। क्या कहें आपसे, और नीचे वाले का ये भालू भयंकर है। कि तुम्हारी नजर क्यों खफा हो गई, तुम्हारी
आदरणीय। ऐसे ऐसे कलाकार हैं जो कहते हैं कि हमने खोजा, इसका जवाब दीजिए। बिल्कुल, कह रहे थे लाल वाली डायरी ना लाके लेके चलना, लेकिन मेरे हिसाब से वो कलाकार कलाकार नहीं होते। बिल्कुल, इतने अगूढ़ प्रसंग हैं। अभी जैसे हमने कल पढ़ा कि हनुमान जी, लोग कहते सजीवन बूटी लेने गए, सजीवन बूटी लेने गए, वहां से पूरा पर्वत ले आए। लेकिन मैंने कल पढ़ा कि पूरा पर्वत नहीं लाए, केवल शिखर थोड़ा सा लाए। ये हरि अनंत हरि कथा अनंता, और वहां पर केवल सजीवनी बूटी नहीं, छह बूटी लाए हनुमान जी। एक घाव भरने वाली, और एक हड्डियां जोड़ने वाली, एक ताकत वाली, मानस भवन जनि में हमने पढ़ा। लेकिन बात आती है कि कहां तक किस बात को दर्शाया जाए। अथाह सागर है, अगर उसमें लोग भ्रमण करेंगे तो केवल भ्रमण करते रह जाएंगे, कुछ नहीं मिलेगा। को कहते ज्ञान गंगा। आपने कहा, अब एक नोट ना करो। मैंने सोचा, हमारे गुरुजी ने तो नहीं लिखा, बताओ। जहां तक मेरा सोचना कि बहू आई आई और लड़की चली गई, और जब लड़की चली गई तो उसके साथ घर की पूंजी भी चली गई। मेरा सोचना है, बिल्कुल घाटे में चले गए लोग। बहुत सारी कथाएं हैं, पौराणिक भी कथाएं हैं। एक आई, छल कर रहे थे इंद्र, उनकी पत्नी आ गई, और जब पत्नी आ गई तो उधर श्राप मिल गया, लेकिन दूजी गायब हो गई। बहुत सारी कथाएं भी हैं, लेकिन जवाबी का मामला होता है जहाँ आई अभी मामला हो आया। अगर रात की बात हो तो दिन की बात, अगर दिन की बात हो तो रात की बात, अगर श्याम की बात हो तो राधा की बात, अगर राम की बात हो तो सीता की बात होती है। जवाबी का जवाब हल करने के लिए नहीं कि हमने एक सवाल कर दिया। बहुत सारे ऐसे कला के कोई कहना कि ऐसा पति, पति कौन सा नारी का अंग नहीं छूता है, ऐसे ऐसे मूर्ख लोग पड़े हैं सवाल कर देते हैं। बताओ, अरे क्या पता तुमने क्या पढ़ा हो, क्या देखा हो, जो जिसके पास होगा वो वही पिरोएगा। अपनी सोच है ये, तो आइए आया जो एक बिल्कुल, और थोड़ा घूम के बैठो। चित्रकार भी हैं हमारे बड़े भैया हैं रमेश डिंडवल जी, उनका जो गायक भी हैं, लेखक भी हैं। तो अब सुनिए, आया जो एक चला तू जा गया, और एक के द्वारा मारा तू जा गया। आया जो एक चला तू जा गया, तू जा गया तो एक पूजा गया। गाना भी समझिए, एक के द्वारा